हेलो चैंपियंस, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल जो लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 7 का कॉकरोच कंप्लीट कर चुके हैं, सो हमारी जो क्लास 11th की यूनिट 2 है जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 आते हैं वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो आज से हम यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। इसमें चार चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम क्लासिफाई करने वाले हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हमें क्या ज़रूरत है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें। क्लासीफाई करने से क्या होगा, हमें ईजी हो जाएगा उनका स्टडी करने में। अब हमने देखा था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में एक डाटा दे रखा है एनसीईआरटी ने कि हमारे वर्ल्ड पे अभी तक जो डिस्कवर स्पीशीज है कितनी है, 1.72, 1.8 मिलियन। सो अगर एक एक स्पीशी हम एक एक करके पढ़ने लगे तो हमारी तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, है कि नहीं। सो इतने सारे स्पीशीज़ की अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासीफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम उन्हें एक प्रॉपर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे हर एक स्पीशी को, सो दैट हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए उन्हें पढ़ना। इस चैप्टर में हमारे पास 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, वायरसेस, वेरॉइड्स एंड एक नया टॉपिक और ऐड हो चुका है, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। जो किंग प्लांट किंगडम है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और जो किंगडम एनिमिलिया है इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें किन किन की स्टडी करनी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की और वायरसेस की, वेरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस की। सो इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है मोनेरा से कन्फर्म आएगा। मोनेरा इस चैप्टर का सबसे बेस्ट टॉपिक है जो एग्जामिनर को पसंद आता है। सेकंड जो टॉपिक पसंद आता है उसे वो है वायरसेस। 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं वायरस, वायरॉइड और लाइकन से। और बची किंगडम प्रोटिस्टा एंड फाइलम, इन दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इस चैप्टर की 12 मार्क्स की वेटेज होती है नीट में, कम से कम, ज़्यादा हो सकती है। सो एक क्वेश्चन मोनेरा से पक्का आएगा, एक वायरसेस से पक्का आएगा और एक प्रोटिस्टा और फंजाई में से किसी एक में से आएगा। सो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार। इस चैप्टर में बेसिकली होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले जो हमारे से पहले के टाइम के जो आदमी थे, जो लोग थे, उन्होंने भी ट्राई किया क्लासिफाई करने का प्लांट्स और एनिमल्स को। जितने भी उन्होंने अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करी। सो अर्लीस्ट जो थे वो कैसे क्लासिफाई करते थे, वो क्लासिफाई करते थे यूज़ और डिसयूज़ पे। जैसे एक प्लांट जिससे फ्रूट मिल रहा है या वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, सो वो ईटेबल हो गए तो उन्हें खाने की श्रेणी में रख दिया उन्होंने। कुछ प्लांट्स दवाइयों की तरह इस्तेमाल होने लगे तो उन्हें दवाई वाले श्रेणी में रख दिया। ऐसे ही कुछ प्लांट्स घर बनाने में काम आने में इस्तेमाल होने लगे तो उन्हें शेल्टर वाले उसमें रख दिया। सो वो अपने यूजेस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लांट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, और ऐसे ही एनिमल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एनिमल हमारे लिए डेंजर है, कौन से को हम खा सकते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। यहाँ से कहानी शुरू होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। एरिस्टोटल ने पहली बार कोई साइंटिफिक बेसिस चुने, चूज साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने पहली बार कोई साइंटिफिक बेसिस चुने, इसलिए एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल जो होते हैं इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। सो इन्होंने जो साइंटिफिक बेसिस यूज़ किए उसमें इन्होंने प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन से, ट्रीज, श्रब्स
श्रब्स होते हैं झाड़ियाँ, ट्रीज हो गए पेड़, एंड हर्ब्स, हर्ब्स वो पेड़ होते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो उन्हें इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने प्लांट्स को। और सेकंड एनिमल्स को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, अनेमिया एंड इनेमिया। पहली बात, बेसिस क्या आते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के, आरबीसी इज प्रेजेंट और नॉट। भाई किसी के एनिमल के ब्लड में बेसिस क्या आता है कि किसी एनिमल के ब्लड में अगर आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। उन्होंने कहा जिनके पास आरबीसी है उन्हें इनेमिया की कैटेगरी में रख दो। इनेमिया में आरबीसी प्रेजेंट थे, वहीं अगर अनेमिया की बात की जाए उनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थे, सो आरबीसी एब्सेंट। सो यहाँ से साइंटिफिक थिंकिंग शुरू होने लगी लोगों में कि हाँ भाई साइंटिफिक तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। सो इन्होंने एक नींव रख दी क्लासिफिकेशन की साइंटिफिक बेसिस पे। देन फिर हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए, कार्लस लीनियस, नाम तो सबने सुना ही होगा इनका, बहुत ही फेमस बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, चैप्टर वन में बता रखा है इन्होंने, है ना। इन्होंने यहाँ भी एक कमाल करके दिखाया, इन्होंने यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्हें दो शब्द से बड़ा प्यार था, इसी चक्कर में इनका जो असली नाम था वो था कार्ल वॉन लीनियस, लेकिन जब इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो इन्होंने कहा नहीं मेरा नाम भी दो ही वर्ड में होना चाहिए। सो उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके कार्लस लीनियस लिख दिया। तो कई बुक्स में कार्ल वॉन लीनियस लिखा होता है, कई में कार्लस लीनियस लिखा होता है, दोनों एक ही बात है, उन्हीं का ही नाम था। और यहाँ भी उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांटे और एनिमिलिया दो किंगडम दी। बेसिस क्या दिए थे, बेसिस थे उनके सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट। उनके जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन के वो ये थे कि जो सेल के पास अगर सेल वॉल है तो उसे प्लांटे में ठोक दो, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसे एनिमिलिया में डाल दो। तो ऐसे करते करते उन्होंने दो किंगडम बनाए, प्लांटे और एनिमिलिया। हमारे एनसीईआरटी में टू किंगडम के बाद सीधा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है आर एच विटेकर सर का, लेकिन बीच में थ्री किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आए थे। सो मैं वो भी बता देता हूँ क्या क्या था उसमें। थर्ड आया अर्नेस्ट हैकल, हैकल सर आए फिर थर्ड नंबर पे। इन्होंने कहा नहीं टू किंगडम से काम नहीं चलेगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आओ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने कहा प्लांट ही तो है, ठीक है भाई सर मान लिया आपकी बात, एनिमिलिया भी है हमने ये भी मान लिया सर, लेकिन प्रोटिस्टा भी है। अब ये प्रोटिस्टा क्या है सर, ये तो बताओ हमें, प्रोटिस्टा आपने बना दिया तो है क्या ही है। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने कहा प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। फिर अर्नेस्ट हैकल से भी बात नहीं बनी, फिर आए कॉपलैंड। कॉपलैंड पे पहले क्वेश्चन बहुत आया करते थे, अब तो फिर आते नहीं इतने। खैर इन्होंने कहा नहीं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी अच्छा नहीं है, मैं देता हूँ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा ठीक है, हमने कार्लस लिनियस की मान ली, प्लांटे नहीं मिलिया ठीक है, हमने अर्नेस्ट हैकल की भी मान ली, प्रोटिस्टा भी ठीक है, लेकिन फिर मोनेरा को कहाँ भेजे। तो पूछा गया भाई मोनेरा कौन है, मोनेरा कौन है, उन्होंने कहा मोनेरा वो है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक है, पहली बात तो प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्यूलर हैं।
मल्टी सेल्यूलर नहीं, यूनिसेल्यूलर है। सो ऐसे ही मॉडिफिकेशन होती गई होती गई, फिर हमारे आए जो हमें याद रखना है, आर एच विटेकर सर। इन्होंने कहा सब बेकार है, मैं बताता हूँ सही। 1969 में उन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन्होंने कहा प्लांटे ठीक है, एनिमिलिया भी ठीक है, प्रोटिस्टा भी ठीक है, मोनेरा भी ठीक है, लेकिन एक फंजाई भी है। क्या है? फंजाई। फंजाई में कौन है? यूकैरियोट्स है, मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक है। कैसे हैं ये? हेटरोट्रॉफिक है। अगर याद रखना भी है तो याद रखना है कि अर्नेस्ट हैकल ने जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें प्रोटिस्टा को ऐड किया, कॉपलैंड ने जब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने मोनेरा को ऐड किया, और आर एच विटेकर ने फाइनल जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें उन्होंने फंजाई को इंक्लूड किया था। फंजाई में कौन थे? सारे हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर विद सेल वॉल। यूनिसेल्यूलर एक फंगस है, ये मल्टी सेल्यूलर भी थे और यूनिसेल्यूलर भी थे। यूनिसेल्यूलर सिर्फ एक ही है ईस्ट, और उसके अलावा सारी की सारी फंगस मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, कैसे थे ये? यूकैरियोट्स थे। ठीक है, फिर छठे नंबर पे आए कार्ल वूज। कार्ल वूज ने आगे कहा, आर एच विटेकर की बात भी ठीक है, लेकिन मैं थ्री डोमेन सिस्टम देता हूँ, थ्री डोमेन सिस्टम जो अभी करंटली एक्सेप्टेबल है वो कार्ल वूज का ही है। इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम दिया, इसी को हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इन्होंने कहा बैक्टीरिया है, ठीक है सर, यूकेरिया भी है, ठीक है। बैक्टीरिया के दो डोमेन बनाए इन्होंने, बैक्टीरिया जो है इसके दो डोमेन बनाए, कौन कौन से? एक बनाया आर्किया और एक बनाया बैक्टीरिया, ठीक है। सो पहली डोमेन है हमारी आर्किया और दूसरी डोमेन है हमारी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, और थर्ड डोमेन है हमारी यूकेरिया। इस डोमेन में उन्होंने किस किस को डाल दिया? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन चारों को, चारों को थर्ड डोमेन में डाल दिया यूकेरिया। जो डोमेन होता है ये किंगडम से भी ऊपर आता है। चैप्टर नंबर वन में हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी, उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? किंगडम, फाइलम और प्लांट के केस में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो हमने ये साथ ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी कैटेगरीज। कार्ल वूज ने कहा नहीं, किंगडम से भी बड़े होते हैं, कौन? डोमेन। और कितने डोमेन दिए उन्होंने? थ्री डोमेन, कौन कौन से? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। इन थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसे हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एग्जामिनर हमसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि लीनियस के ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन। लीनियस के क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या क्या थे? सो हमें तीन ड्रॉबैक पढ़ने हैं। सबसे पहले वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए यूकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। सेकंड, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया फोटोसिंथेटिक कौन, जैसे एल्गी हो गई, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। जैसे फंजाई हो गई। उनका बेसिस क्या था? प्लांट में उन्हें डाल दो जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल्स में उनको डाल दो जिनके पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन मानते हैं हम एल्गे प्लांट का पार्ट है और फोटोसिंथेटिक है और सेल वॉल भी है, लेकिन फंगस तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो उसको प्लांट में क्यों डालना? उन्होंने डालना भाई क्योंकि इसके पास सेल वॉल थी। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन किससे बना होता है? काइटिन एक पॉलीमर, किसके? नाग नाम के पॉलीमर से बना होता है। नाग की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने इन दोनों को प्लांटे में ही डाल दिया। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। इन दोनों में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए वो, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में भी। अब जितने भी ड्रॉबैक लीनियस के हैं, ये सारे बेसिस रहे किसके? आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन के। ये तीनों बेसिस वहाँ पे दिखेंगे आपको, जब आर एच विटेकर के बेसिस बताए जाएंगे तो ये तीनों ड्रॉबैक्स वहाँ पे आएंगे। सो लीनियस के ड्रॉबैक आर एच विटेकर के बेसिस बने आगे जाके। टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन। आखिर बेसिस क्या क्या थे आर एच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमें इसमें उन्होंने पांच बेसिस चुने थे। कितने? पांच। पहला, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? क्या वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट से? जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है? सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है क्या उसकी बॉडी यूनिसेल्यूलर है या फिर वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है? थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है क्या वो फोटोसिंथेटिक है या फिर कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। फोर्थ, रिप्रोडक्शन, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। और फिफ्थ है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब फाइलोजेनिक क्या होती है? ये बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। फाइलोजेनी मतलब डील करती है कि उसके जो पूर्वज थे या फिर जो उससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे वो उससे कितना चेंज होता हुआ आ रहा है पीछे से। तो टोटली एवोल्यूशन बेस्ड स्टडी है फाइलोजेनी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पांच बेसिस हैं ये विटेकर के, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस क्या है? इन पांचों में से विटेकर की क्लासिफिकेशन का सक्सेसफुल होने का जो कारण है, इन पांचों में से कौन सा बेसिस है और कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट बेसिस है? सो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज सेल स्ट्रक्चर।
सेल स्ट्रक्चर हालांकि सुनने में अजीब लगता होगा कि भाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की वजह से ही उसका जो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो इतना सक्सेसफुल हो पाया कि उनने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग कर दिया। यही सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन का, क्या? सेल स्ट्रक्चर। सो नाउ रीड द एनसीईआरटी। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे हमारे अंदर सिविलाइजेशन आती गई, जैसे जैसे हम प्रगति करते गए, एक क्लास ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट उतने ही ज़्यादा बढ़ते गए। इट वॉज डन इनडिस्टिंगटिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। वो जो क्राइटेरिया यूज कर रहे थे वो साइंटिफिक नहीं थे, बट बॉर्न आउट टू द नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर ऑन यूज, कि वो ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आ रहा है। जैसे कोई पेड़ हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो खाने के काम आ रहा है, कोई प्लांट मेडिसिनल पर्पज़ से यूज कर रहे हैं तो हमारी वो मेडिसिन में हेल्प आ रहा है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हमारे शेल्टर या घर बनाने में हेल्प आते हैं तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। सो फूड शेल्टर क्लोथिंग, इसके हिसाब से वो क्लासीफाई करने लगे ऑर्गेनिजम्स को कि भाई कौन सा एनिमल हम खा सकते हैं, कौन सा हमारे लिए खतरनाक है। सो बस इसी बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। यहाँ से शुरू होती है कहानी। एरिस्टोटल टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कोई साइंटिफिक बेसिस चुने अपने क्लासिफिकेशन के लिए, पहली बार साइंस का यूज़ किया, साइंटिफिक बेसिस अपनाए। एरिस्टोटल के बारे में एक बात लिख लीजिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। भाई एनसीईआरटी में नाम है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। सिंपल हालांकि उस समय के अनुसार उन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से देख सके क्योंकि इतने साइंटिफिक बेसिस डेवलप नहीं हुए थे। टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू, प्लांट्स को किस किस में क्लासीफाई किया? ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज पेड़ हो गए, श्रब्स झाड़ियाँ हो गई, और हर्ब्स वो पेड़ पौधे हो गए जो मेडिसिनल पर्पज के हैं। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, कौन कौन से? दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। वो एनिमल्स जिनके पास आरबीसी हैं एंड दूसरे वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसी नहीं है। अब यहाँ तो रेड ब्लड लिखा है लेकिन ब्लड को रेड क्या बनाता है? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। सो अनेमिया वो थे जिनमें आरबीसी एब्सेंट था और एनेमिया वो थे जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था। अब इसको याद करने का तरीका, हमने कंडीशन सुनी है अनीमिया, अनीमिया इसी वर्ड से ड्राइव हुआ है, अनीमिया से। अनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी यानी आरबीसी की कमी हो जाती है। सो अनीमिया इज रिलेटेड विद रिडक्शन इन आरबीसी, सो आरबीसी होते ही नहीं एंड एनीमिया में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर आए लीनियस, उन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या डिवाइड किया? प्लांटे और एनिमिलिया नाम के दो किंगडम उन्होंने बताए जिसमें उन्होंने सभी को प्लांट्स और एनिमल्स को डाल दिया अपने हिसाब से। उन्हें उनका मानना था जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट है तो उसे प्लांटी में डाल दिया, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमिलिया में, उसे एनिमल घोषित कर दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये ड्रॉबैक्स रहे थे लीनियस के जो आगे जाके बेसिस बने थे आर एच विटेकर के। सो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। और थर्ड, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज इजिली डन एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। उन्होंने तो सोचा बड़ा आसान था भाई, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट में डाल दी, जिसके पास नहीं है वो एनिमल में डाल दिए, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, प्लांट्स और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन लार्ज ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिले उन्हें जिन्हें वो ना एनिमल्स में डाल सके ना प्लांट्स में डाल सके। कौन कौन से थे ऐसे ऑर्गेनिजम्स? सबसे पहले यूग्लिना। यूग्लिना के पास, यूग्लिना कैसा ऑर्गेनिज्म है? मिक्सोट्रॉफिक, यानी ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है।
उन्होंने सोचा भाई एनिमल्स तो वो थे जो हेटरोट्रॉफिक थे, तो इसे एनिमल में डालना चाहिए, लेकिन ये तो ऑटोट्रॉफिक भी है, तो प्लांट वाला बिहेवियर भी शो कर रहा है। सेकंड, इसकी सेल वॉल जो थी वो प्रोटीन की बनी हुई थी, जो हमारे प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन इसकी तो पेलिकल, यानी इसकी सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, पेलिकल, और वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, और वो तो बहुत सॉफ्ट थी। फिर उन्होंने और ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा इसके पास तो फ्लैजेला है। अब नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन नहीं शो करते, वो इधर से उधर मूव नहीं करते, एनिमल्स करते हैं, और जहाँ फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला का मतलब है वहाँ मूवमेंट होगी, मूवमेंट भी होगी और लोकोमोशन भी होगा। तो वो कंफ्यूज हो गए, तो मैं इसको रखूँ तो रखूँ किस कैटेगरी में, ये तो कुछ बिहेवियर एनिमल्स की तरह दिखा रहा है, अब सेल वॉल है प्लांट्स में होना चाहिए था, लेकिन फ्लैजेला है तो एनिमल वाला बिहेवियर हो गया। चलो ऑटोट्रॉफिक है तो एनिमल उसमें प्लांट किंगडम में होना चाहिए, लेकिन ये तो हेटरोट्रॉफिक भी है, फिर एनिमल में डालूँ या प्लांट ही में डालूँ? सो वो कंफ्यूज हो गए। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। इतना लंबे इस्तेमाल के बाद काफ़ी समय तक उसका इस्तेमाल किया गया, जब तक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन में और इम्प्रूवमेंट होने लगी, तो हमें पता और ऑर्गेनिज्म हमने देखने लगे, माइक्रोस्कोप डेवलप होने लगे। सो हमें यूक्लिना जैसा एक ऑर्गेनिज्म भी मिला जो इन्हें कंफ्यूज कर दिया, हमें हम किसे डालें, तो हमें लगा कि हाँ भाई एक और किंगडम की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, वॉल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है उसका, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है, यानी फाइलोजेनी कैसी है उसकी। सो सब बढ़ते समय के साथ फिर हमने कहा नहीं यार मॉर्फोलॉजी से तो काम नहीं चलेगा, अब तो हमें इनके अंदर घुसना ही पड़ेगा। सो हमने क्या क्या देखने के निकले, सेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा भाई, वॉल कैसी बनी ये भी देखना पड़ेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ये भी देखना पड़ेगा, रहता कहाँ है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फाइलोजेनी कैसी है इसकी, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। यहाँ पे एनसीईआरटी थ्री और फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रही है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम चेंजेस करते गए, हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लाए कि भाई टू किंगडम से काम नहीं चल रहा, फिर थ्री किंगडम जब हमें नहीं लगी भाई इससे काम नहीं चलेगा तो फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए, ऐसे ये समय के साथ बदलते गए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कॉन्स्टेंट ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, पहले लाइन को समझते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लीनियस ने दे दिया, उन्होंने कहा भाई एनिमिलिया है और प्लांटे है। फिर अर्नेस्ट हैकल आए, उन्होंने कहा थ्री किंगडम, मैं प्रोटिस्टा लेके आया हूँ, प्रोटिस्टा भी है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी, प्लांट और एनिमिलिया एज इट इज रहे। कार्ल बूज आए, कोपलैंड आए, कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा मैं मोनेरा को लेके आया हूँ, लेकिन एनिमल और प्लांटे फिर वैसे के वैसे ही रहे। फिर आए हमारे आर एच बिट्टेकर, उन्होंने कहा नहीं मैं फंगस को लेके आ रहा हूँ, फिर भी प्लांट और एनिमिलिया कॉन्स्टेंट रहे। और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांट्स और एनिमल कॉन्स्टेंट ही रहे। सो जितने भी क्लासिफिकेशन होते रहे, प्लांट और एनिमल किंगडम तो हर क्लासिफिकेशन में मिले ही मिले। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज ऑर्गेनिज्म किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। लेकिन इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे वो बदलते गए समय के साथ। सो यहाँ से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात शुरू होती है। आर एच बिट्टेकर 1969 डेट, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने प्रपोज किया। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज, उन्होंने पांच किंगडम दी, कौन कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर एच बिट्टेकर ने कौन सी किंगडम फाउंड करी थी, क्वेश्चन समझना कि उन्होंने कौन से किंगडम की खोज करी थी, डिस्कवरी किसकी करी थी। सो उन्होंने फंजाई किंगडम दिया था। हाँ उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए इनमें से कौन सी किंगडम उन्होंने दी थी, तो उन्होंने फंजाई किंगडम दी थी। वहीं कोपलैंड ने कौन सी दी थी, मोनेरा, और वहीं अर्नेस्ट हैकल ने दी थी हमको प्रोटिस्टा। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, क्या क्या क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे, पहला सेल स्ट्रक्चर, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी उसके एवोल्यूशन कैसे रहे हैं। टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। टेबल 2.1 में देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइव किंगडम्स के, आर एच बटेकर की। करेक्टर्स क्या क्या, सेल टाइप कैसा है, मोनेरा को छोड़ के सारे यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ एक ही किंगडम है मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं और सारे यूकैरियोटिक हैं। अगर सेल वॉल की बात की जाए, मोनेरन्स की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक। पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड, कौन कौन से पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड, ये बनी होती है नाक की और नाम की। खाली नाक का अगर पॉलीमर हो, एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन का अगर खाली पॉलीमर हो, सो वो काइटिन बनाता है जो कि हमें फंगस में मिलती है। काइटिन किसकी बनी है, खाली नाक की। लेकिन नाक और नाम दोनों आ जाए, नाम क्या होता है, एनएसिटाइल मर्मारिक एसिड। मैं लिख देता हूँ, नाग है एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन, वही नाम है एनएसिटाइल मर्मारिक एसिड। ठीक है, सो जो मोनेरन्स की वॉल है वो नाग और नाम नाम के दो पॉलीमर से मिलकर बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में है कुछ में नहीं है, किस किस में है, डाइनोफ्लैजेलेट्स में है, यूग्लेनॉइड्स में है और स्लाइम मोल्ड्स में है। ठीक है, क्राइजोफाइट्स में भी है, लेकिन लास्ट प्रोटोजोन्स में नहीं होती। प्लांटे की बात करें, सब में प्रेजेंट होगी और किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। और एनिमिलिया का एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास सेल वॉल हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटेड है उसके सेल टाइप से। भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्यों, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमने यही तो बेसिस थे हमारे कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है या नहीं है। अगर प्रोकैरियोट है तो एब्सेंट होगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सब में प्रेजेंट होगी क्योंकि सारे यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मोनेरन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिसेल्युलर हैं। टिश्यू कैसे बन जाएगा यूनिसेल्युलर का, टिश्यू भी तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये तो है यूनिसेल्युलर, तो खाली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी। फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, धीरे धीरे टिश्यूज डेवलप होने लगे, प्लांट में टिश्यू भी आ गए ऑर्गन भी आ गए, और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों आ गए। अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, सेल वॉल इम्पोर्टेंट है, ये दो तो बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहले मोनेरा का, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कौन से ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल से फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सनलाइट की हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कीमोसिंथेटिक केमिकल्स को ब्रेक ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं ये, सेप्रोफिटिक जो सड़े गले के ऊपर होते हैं, पैरासिटिक जो एक लिविंग होस्ट के ऊपर पैरासाइट की तरह पाए जा सकते हैं। सो मुझे एक चीज़ देख के बताओ, इस टेबल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी आपको किस में देखने को मिल रही है, मतलब अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन किस में देखने को मिल रहे हैं। यूँ अगर खाली देखने से ही पता लगाना हो तो हमें मोनेरा में सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से इस ये जो किंगडम है इसे कहते हैं मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हमें इसी किंगडम में देखने को मिलती है। सेकंड प्रोटिस्टा में कौन सा मिलता है, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक। फंजाई टोटली हेटरोट्रॉफिक है, कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। सेप्रोफिटिक है तो सड़े गले के ऊपर, या पैरासिटिक या फिर किसी लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, कोई भी हेटरोट्रॉफिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक हैं सारे। एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक हैं, इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। होलोजोइक मतलब खाना और फिर उसको पचाना। सेप्रोफिटिक सड़े गले पे जी लाइव रहना। ठीक है,
फिर एनसीईआरटी में थ्री डोमेन सिस्टम की बात की गई है, किसने दिया था? कार्ल वूज ने, नाम लिखा नहीं है फिर भी याद होना चाहिए। ऑल्सो बिन प्रपोज दैट डिवाइड्स किंगडम, मोनेरा को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, दो डोमेन में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी? बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये जो दो डोमेन लिखी है, मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया, आर्किया और बैक्टीरिया। एंड द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन, और थर्ड डोमेन में, यूकैरिया में जो थर्ड डोमेन थी, पहली डोमेन आर्किया थी, सेकंड डोमेन बैक्टीरिया है, थर्ड डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया में चारों के चारों डाल दिए, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। देर बाया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी वजह से हम इसे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसेंट्रेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं कैसे क्या कर रहा। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। लेकिन हम जानते हैं बैक्टीरिया तो मोनेरा में आता है, फंजाई अलग किंगडम है। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। क्या बेसिस रखे थे उन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले? पहले वाले क्लासिफिकेशन में क्या करते थे कि भाई प्लांट में वो जिसके पास सेल वॉल है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स ऑफ विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने तो उन ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को भी मिला दिया जिनके करेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे। अब कहाँ बैक्टीरिया, कहाँ प्लांट, बस इस बेस पे मिला दिया क्योंकि उनके पास सेल वॉल थे। कहाँ फंजाई, फंजाई बिल्कुल ही हेटरोट्रॉफिक्स हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, फिर भी हमने उन्हें एक कर दिया। क्यों? क्योंकि सेल वॉल थी उनके पास। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया से कहते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। अब इन प्रोकैरियोट्स को उठा के इन्होंने यूकैरियोट्स के अंदर डाल दिया। प्लांट्स तो टोटली यूकैरियोट्स हैं, फिर भी हमने इनमें डाल दिया क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंट थी। साइनोबैक्टीरिया का चलो समझ में भी आता है भाई, क्लोरोफिल ए भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है इसलिए इसको हटाना यहाँ से। इट इज ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी एक साथ रख दिया, जैसे क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे। कहाँ क्लाइमेडोमोनास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेडोमोनास यूनिसेल्युलर है, वहीं स्पायरोगायरा मल्टीसेल्युलर है। सो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को मिलाकर एल्गे में रख दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप। हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई पहले की क्लासिफिकेशन, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले की क्लासिफिकेशन थी। दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर बोल्स कंपोजिशन। हालांकि अगर देखा जाए कि भाई मान लिया चलो फंजाई को रख दिया प्लांट में क्योंकि सेल वॉल थी, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो तो काइटिन की बनी हुई है और जो प्लांट्स की वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, फिर भी एक साथ रख दिया। फंजाई हेटरोट्रॉफिक है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, फिर भी इनको एक साथ रख दिया। सो कहने का मतलब ये है कि इतने अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को भी हमने रिलेट कर दिया आपस में, क्योंकि हमारे बेसिस क्लियर नहीं थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया बेसिस क्लियर होते गए और हम इन्हें अलग करते गए। आने वाले समय में क्या पता सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाए, एट किंगडम भी आ जाए। जितनी हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, जितने हमारे बेसिस क्लियर होते जाएंगे, उतना हम और ऑर्गेनिजम्स को अलग करते रहेंगे। क्या पता और भी किंगडम्स अभी आने बाकी हों, लेकिन अभी तक हमें जो पढ़ना है वो फाइव किंगडम पढ़नी है। आगे जाके हम सिक्स किंगडम जरूर पढ़ेंगे, क्या पता फिर आने वाले समय में सेवन भी आ जाए, एट भी आ जाए। वेन सच अ करेक्टरिस्टिक वर कंसिडर्ड फंजाई वर प्लेस इन सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमें फ़र्क समझ में आने लग गया, हाँ भाई जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स की जो बनी हुई है सेलुलोज की, और जो फंजाई है वो एक टोटली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो टोटली ऑटोट्रॉफिक हैं। सो इन्हें अब अलग करने का टाइम आ गया है और इसको सेपरेट किंगडम में डालो, किंगडम फंजाई में। जैसे जैसे समय बढ़ता गया ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के हमने मोनेरा में डाल दिया। एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उसको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया हमने। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास,
क्लोरेला अर्ली प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्ली प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। कहने का मतलब जो क्लाइमेटोमोनास और कोलेरा है ये दोनों प्रोटिस्टा में आ गए, लेकिन इन्हें पहले हमने कहाँ डाल दिया था, एल्गे में, प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल थी। दूसरा पैरामीशियम और अमीबा जो है इनको हमने अर्लियर एनिमल किंगडम में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स इंप्रूव होती गई, हमारे बेसिस क्लियर होते गए, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म ये एक साथ आ गए थे इन्हें अलग अलग करना शुरू कर दिया हमने। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। हमारे क्राइटेरिया, हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समय के साथ बदलते गए। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। आगे भी ऐसे चेंजेस आएंगे जरूर, डिपेंडिंग ऑन इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती रहेगी करेक्टरिस्टिक्स के लेकर और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हुए, जैसे जैसे हमारे एवोल्यूशनरी डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स और क्लियर होते रहेंगे, तो आगे भी ऐसी क्लासिफिकेशन बढ़ती रहेंगी। ओवर टाइम नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, बट इट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, पर अभी हमारी इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी तक इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि फाइलोजेनी आसान कब बनेगी, जब हमारे पास फॉसिल्स होंगे। फाइलोजेनी डायरेक्टली रिलेटेड टू एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के लिए हमें फॉसिल्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके फॉसिल्स हमारे पास है ही नहीं। सो वहाँ पर फाइलोजेनी जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है हमारे लिए, इसलिए अनफाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी वही है जो एवोल्यूशन पे बेस्ड है। सो कहने का मतलब ये है समय के साथ बदलाव और आएंगे, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आए, ऐसे सिक्स, सेवन्थ, एट्थ भी आएंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमें कौन सी तीन किंगडम पढ़नी है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्लांटी और एनिमिलिया हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। द किंगडम्स ऑफ प्लांटी एंड एनिमिला, कॉमनली कॉल्ड प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, विल बी डील्ड इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 एंड 4 में हम उन्हें सेपरेटली डील करेंगे, क्योंकि वो बड़े टॉपिक्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन भी बड़ी है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सो फर्स्ट किंगडम है हमारी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या क्या है हमारा, सारे प्रोकैरियोट्स और सारे के सारे यूनिसेल्युलर। ठीक है, सो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चार तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स, बेसिस क्या थे, किस बेस पे थे, बेसिस थे शेप, कि बैक्टीरिया की शेप कैसी है। इस आधार पे हमने बैक्टीरिया को 4 तरीके के डिवाइड किया है। पहला कोकस, कोकस वो होते हैं जिनकी शेप स्फेरिकल होती है, वो बैक्टीरिया जिनकी शेप स्फेरिकल है उन्हें हम कोकस कहते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। सेकंड है हमारा बैसिलस, बैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप रोड की तरह है, जैसे कि ऐसे, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं रोड शेप बैक्टीरिया। इसमें जो ये सर्कुलर मैंने बनाए हैं ये होते हैं इनके स्पोर, ठीक है।
थर्ड होता है हमारा विपरियम, ये होते हैं कोमा शेप्ड, जिसे कोमा लगाते हैं हम, लाइक दिस, यह कोमा शेप्ड। फोर्थ है हमारा स्पिरुलम, ये कैसी शेप्ड होती है इनकी, इनकी होती है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल लाइक। ऐसी शेप होती है इनकी। और लास्ट में ये जो निकले हुए हैं इन्हें कहते हैं हम फ्लैजेला। फ्लैजेला किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, इनको चलने फिरने में हेल्प करते हैं। सो ये चार तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। कहने का मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। क्यों, बैक्टीरिया में होता है क्या क्या है, आउटर मोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कि नहीं, और न्यूक्लियस तो देखने को मिलता नहीं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, कोई भी मेम्ब्रेन माउंड ऑर्गेनेल भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमने बैक्टीरिया में देखी, डिजीज़ कॉज करते हैं अलग अलग तरीके की, सो बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक ग्रुप के तौर पे इनमें बहुत ही तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरीके के, फोटोसिंथेटिक जो सन की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं, दूसरे कीमोट्रॉफिक, ये वो होते हैं जो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक में भी दो तरीके के, सेप्रोफिटिक जो सड़े गले पे मिलते हैं, और दूसरा है हमारा पैरासिटिक। नाउ एक पॉइंट और, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स वही तो होते हैं जो सड़े गले को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स दो होते हैं, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स होते हैं, साथ के साथ फंजाई भी डिकम्पोजर्स होते हैं। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई टुगेदर, ये दोनों डिकम्पोजर्स होते हैं। नाउ अनदर लाइन, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट। बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। अब बैक्टीरिया दो तरीके होते हैं, पहला आर्की बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। पहले आर्की बैक्टीरिया को देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया कौन से थे, देवर प्रीमिटिव बैक्टीरिया। प्रीमिटिव बैक्टीरिया यानी जो पहले के समय में पाए जाते थे, पाए अभी भी जाते हैं पर उसी समय बहुत पुराने समय से पाए जा रहे हैं। पुराने समय में जो हमारे अर्थ की कंडीशंस थी वो बहुत ही हार्श थी, बहुत ही मुश्किल थी, और उस समय से ये बैक्टीरिया अर्थ पे प्रेजेंट है। ये तीन तरीके के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स
मिथेनोजेंस। नाउ हेलो फाइल्स कौन होते हैं? हेलो जो होता है वो सॉल्ट के लिए यूज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हेलोजेंस, ग्रुप नंबर 17, वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली है, सो इसलिए हम उन्हें हेलोजेंस कहते हैं। ऐसे ही हेलो फाइल जो हैं ये सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली जो सॉल्टी एरियाज होते हैं जहाँ पे पीएच इतना सुटेबल नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जी सके, वहाँ पे हेलो फाइल्स पाए जाते हैं। और थर्मो एसिडो फाइल्स होते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है, उस एनवायरनमेंट में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे हमारे गीजर का टेम्परेचर हो गया, कभी कभार जो उसके बैक साइड का वो 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है, तो हमारे गीजर के पीछे ही पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल। जो जहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं जहाँ, वहाँ पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री को तो क्रॉस भी कर चुका है। थर्ड होते हैं हमारे मिथेनोजेंस, ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब मिथेन गैस रिलेटेड है बायोगैस से, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मिथेन गैस बनती है। और बायोगैस हमें कहाँ से मिलती है? कैटल के डंग से। और कैटल के डंग में कहाँ से आती है? उनके जो गट होता है, गट ऑफ ह्यूमिनेंट एनिमल से। रुमिनेंट एनिमल जो पालतू जानवर होते हैं जिनसे हम दूध जैसे निकालते हैं, गाय से, भैंस हो गई, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं कौन? मिथेनोजेंस। ठीक है, ये मेजरली मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ मिलते हैं मिथेनोजेंस? ये मिलते हैं हमें मार्शी एरियाज में, दलदली इलाकों में, जहाँ दलदल होता है ना, उन इलाकों में मिलते हैं। ये था आर्किबैक्टीरिया के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनके पास क्या हमसे अलग है कि ये इतने हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ऐसे सॉल्टी एरियाज में भी मिल सकते हैं, मार्शी एरियाज में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, तो ऐसा कुछ तो इनके पास खास होगा जिसकी वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सेल वॉल ना हो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था उसमें सेल वॉल ऑप्शन में नहीं था, वैसे राइट आंसर इसका सेल वॉल है। अगर सेल वॉल ऑप्शन में ना हो तो हम सेल मेम्ब्रेन भी, और सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन में हो तो हम सेल मेम्ब्रेन पर टिक कर देंगे अगर सेल वॉल ऑप्शन में नहीं है। और अगर दोनों ऑप्शन में है सो बेस्ट आंसर इज सेल वॉल। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, यू कैरियोट्स में मतलब ट्रू न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहले साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया। थर्ड हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मास। ये चार चीज़ें आती हैं हमारी यू बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले साइनो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, सबसे पहली बात ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांट्स की ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है,
जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी। ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शीत, जिसे हम न्यूसिलेजियस शीत भी कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर वो कॉलोनी में प्रेजेंट है, सो उनके सराउंडिंग एक जिलेटिनस शीत होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, जिसे हम म्यूसिलेजिनस शीत भी कहते हैं। थर्ड है, एक टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का। हमें किसमें देखने को मिलते हैं, ये नोस्टोक और एनाबेना में, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। सो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनकी कॉलोनीज जो होती है वो म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होती है और इनके पास स्पेशल सेल्स मिलते हैं जिन्हें कहते हैं हम हेट्रोसिस्ट सेल्स। क्या काम करते हैं, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हो गए हमारे नोस्टोक और एनाबेना। सेकेंड टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज मत करने का मतलब ब्रेक करके जो उनसे एनर्जी रिलीज हुई है उसको अपने एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करना। सो ये क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। सो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी इन देयर एटीपी प्रोडक्शन। उसको एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी उससे ब्रेक होकर निकलती है उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ही ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नहीं करते, और जो उनसे एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्राइट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। थर्ड टाइप है हमारा यू बैक्टीरिया का हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहली बात, दे आर मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में। सेकंड थिंग, इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स क्यों हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, सो टोटली अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ये डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं।
डीकम्पोजिशन में दो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, एक बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई। सो ये दोनों मिलके आए डीकम्पोजर्स का फॉर्मेशन करते हैं, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। रात को दही जमाते हैं, सुबह तक बन जाती है, तो उसमें कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इन मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और N2 को फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं, इसमें लेग्यूम रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं ना जिनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स होता है, सो ये वहाँ पे उनके साथ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन रूट नोड्यूल का जिसमें कि ये N2 फिक्स कर सके एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है कुछ डिजीज कॉजिंग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहली डिजीज है कोलेरा। कोलेरा कौन से उससे होती है बैक्टीरिया से? विब्रियो कोलेरी, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारी टाइफाइड। टाइफाइड किससे होती है? साल्मोनेला टाइफाई से। थर्ड है हमारी टेटनस। टेटनस किससे होती है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से। फोर्थ है हमारी सिट्रस कैंकर, ये किससे होती है? ज़ेंथोमोनास सिट्री से। सो ये इनके बैक्टीरिया के नाम हैं जो ये बीमारियां फैलाते हैं। NCERT में खाली इनके बीमारियों के ही नाम दे रखे हैं, इनके बैक्टीरियाज के नाम नहीं दे रखे, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लर्न करना, अगर लर्न है तो अच्छी बात है। जो पहले तीन डिजीज़ हैं ये हमें एनिमल्स में मिलती हैं, और जो लास्ट की डिजीज है सिट्रस कैंकर, ये हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। फोर्थ टाइप न्यू बैक्टीरिया का हमारा माइकोप्लाज्मा। पहली बात लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगर हम देखें सभी बैक्टीरिया में हमने सेल वॉल देखी थी, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती। सेकंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा दे आर स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनसे छोटा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। कभी कभार ये पैथोजेनिक भी हो जाते हैं, यानी डिजीज कॉज कर देते हैं, किसमें? एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एक टॉपिक और आता है मोनेरा में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आखिरकार बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सो मेनली बाय फिजन करते हैं, मेनली नॉर्मल कंडीशंस में किससे करेंगे? वो फ्यूजन से। फ्यूजन में क्या होता है? ब्रेक डाउन, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया से। बाइनरी फ्यूजन हम अमीबा में देखते हैं ना, एक अमीबा से दो अमीबा, इनमें हमें फ्यूजन देखने को मिलती है, मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलती है। सेकंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है सो ये कैसे फिर रिप्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस स्पोर्स, उस कंडीशन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। एंड कभी कभार ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं मिलता,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं मिलता, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सॉर्ट ऑफ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देता है, इसी तरह के रिप्रोडक्शन को कॉन्जुगेशन कहते हैं। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। सोल मेंबर्स क्या है किंगडम के, बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, कई हर जगह मिलते हैं बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गई, डीप ओशंस हो गए, जहाँ पर कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और पैथोजन वो होते हैं, पैथोजन वे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। आर ग्रुप अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के आधार पे हमने बैक्टीरिया को चार हिस्सों में डिवाइड किया है, कौन कौन से, कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पिरुलम। कोकस कैसी शेप का है, स्फेरिकल शेप का। बैसिलस रोड शेप्ड होते हैं, बैसिलस में हमें क्या देखने को मिलता है, स्पोर। वहीं अगर स्पिरुलिन की बात करें तो ये जो सारे दे रखे हैं प्लूरल दे रखे हैं, और यहाँ पे सारे सिंगुलर भी दे रखे हैं, प्लूरल ये पीएल मतलब प्लूरल, ये सारे इनके प्लूरल वर्ड्स भी दे रखे हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड है, क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेलम फ्लैजेलम प्रेजेंट है, तो लोकोमोशन है यानी मोटाइल है ये। और वहीं विब्रियो की बात करें तो कोमा शेप्ड। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें कौन से ग्रुप में देखने को मिलती है, मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया इंक्लूड है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन्हें कौन सा कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स, वास्ट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से, हेटरोट्रॉफ्स। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, या तो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है एज अ पैरासाइट, या फिर डिकम्पोजर्स हैं। आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया की एक भी ऐसी लाइन है जिससे अब तक क्वेश्चन ना बनाओ, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये हार्श हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस। आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, इसी वजह से ये इतने हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रुमिनेंट, पालतू एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन। मिथेन की प्रोडक्शन में इन्हीं की वजह से होती है, जो कि हमें बायोगैस में बहुत मदद करती है। एंड द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इनके गट से डंग में चला जाता है, डंग में जाके मिथेनोजेंस मिथेन के फॉर्मेशन करते हैं, डिकम्पोज करके। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। दे आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, एंड अगर मोटाइल है, फ्लैजेलम वर्ड जहाँ भी आ जाए, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट, तो वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है। मोटाइल मतलब वो लोकोमोशन कर सकता है, यानी मूव कर सकता है। अगर किसी के पास फ्लैजेला नहीं है, बैक्टीरिया के पास अगर नहीं है, सो वो नॉन मोटाइल है। कैसा है, नॉन मोटाइल। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। और क्लोरोफिल ए कौन सा पाया जाता है, जैसा ग्रीन प्लांट से पाया जाता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली
सराउंडेड कॉलोनीज जो होती हैं इनकी जिलेटिनस शीट से प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, म्यूसिलीजेनियस शीट। दे आर ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर, ये ब्लूम्स भी बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल कौन कौन है, नोस्टक और एनाबेना। ठीक है, ये नोस्टॉक का डायग्राम दिखा रखा है, सो देख सकते हो ये जो ब्लू ब्लू है ये म्यूसिलीजेनियस शीट है, और वहीं जो ये पर्पल सेल्स दिखा रखे हैं ये है हेट्रोसिस्ट, किसमें हेल्प करते हैं एंड टू फिक्सेशन में। नेक्स्ट है हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को, और जो उनको ऑक्सीडाइज या ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो अपनी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग हो गई, फॉस्फोरस की रिसाइकलिंग हो गई और सल्फर आयरन की रिसाइकलिंग हो गई। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में। थर्ड टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, मेनली इनका काम क्या होता है डीकम्पोजिशन में। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, इनके काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन्स में भी दिखे पाए गए हैं इफेक्ट्स, जैसे कि ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं लेग्यूम की रूट्स में, कैसे फॉर्म फिक्स करते हैं नोड्यूल्स की फॉर्म में, लेग्यूम रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स कुछ और नहीं होता, बैक्टीरिया प्लस रूट्स की एसोसिएशन को ही हम नोड्यूल्स कहते हैं। सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और किसमें, ह्यूमंस में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में और पेट्स में। कौन कौन सी डिजीज दे रखे, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर, इनके जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनके नाम मैंने पीछे लिखवा भी दिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, मेनली कैसे करता है, फिजन से, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, कैसे, स्पोर्स बनाकर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ऑफ टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसी को क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये बैक्टीरियम दिखा रखा है जब उसमें फिजन चल रही है, ये फिजन दिखा रखी है बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा, आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इकलौते ऐसे बैक्टीरिया में। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के भी। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक हैं किसमें, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम प्रोटिस्ट और फंजा ही ख़त्म कर लेंगे और वायरस वायरस भी। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हम प्रोटिस्टा फंजाई कंप्लीट कर देंगे। वायरस का मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं वायरस, विरोइड्स, प्रोयंस और लाइकन से। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटिस्टा और फंजाई ख़त्म कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर कर देना, लाइक कर देना।